हेलो स्टूडेंट्स, सो अपने कर रहे हैं क्लास 10th के लिए अपना लेसन नंबर 10 चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी। अपने जो पिछली वीडियो है उसमें लगभग टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपनों ने किया था चुंबकीय जो क्षेत्र था वो कैसे उत्पन्न होता है उसको देखा था और उसकी दिशा देखी थी चुंबकीय प्रभाव की। आज अपने पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र की रेखाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओरेस्टर ने प्रयोग किया था, अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ओरेस्टर ने क्या क्या प्रयोग किए थे। 3 तरह के उन्होंने अपने को क्या किया था, प्रयोग करके दिखाए थे। किस पे किए थे? उन्होंने कंपास लगाया था, कंपास बोल दो या दिक सूचक सुई भी बोलते हैं इसको, कंपास लगाया था और उसमें परिपथ में क्या की थी, विद्युत धारा प्रवाहित की थी। जैसे जैसे विद्युत धारा उसमें बहती है तो सुई जो है वो अपने आप विक्षेपित हो जाती है, मतलब नॉर्थ और साउथ या इन दोनों की साइड जो है ना वो हिलने लग जाती है कंपास की सुई। तो मतलब सुई क्या होने लग जाती है, विक्षेपित होने लग जाती है। और जैसे ही अपनी धारा का जैसे दिशा है, पहले तो इस साइड है, ठीक है, तो दिक्सूचक की सुई का जो मतलब सुई है वो किसी और साइड होगी। फिर अगर अपने धारा का जो प्रवाह है वो बदल दिया तो साथ के साथ ये जो दिक सूचक की जो सुई है इसकी भी दिशा अपने आप बदल जाती है। ये थे ओरेस्टेड के 3 प्रयोग थे। उसके बाद अपनों ने किया था चुंबकीय क्षेत्र की जो मतलब क्षेत्र है उसको अपने देखा था कि उसकी दिशा क्या होगी, जो अपना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसकी, उसके भी 2 नियम थे अपनों ने वो किए थे। आज अपने करेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र की रेखाएँ। देखो ओरेस्टेड ने के प्रयोग में हमने देखा कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक में क्या कर रहे हैं अपने, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, धारा प्रवाहित की तो वह चालक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। मतलब अपने पास जैसे ये कोई चालक है अपने पास, इस चालक में अपनों ने क्या किया कर दिया, इस टाइप से करंट फ्लो कर दिया। करंट फ्लो करते ही ये जो छड़ है ये किसके और बिहेव करने लग जाती है, चुंबक की तरह बर्ताव करने लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर इस चालक के उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद देखो वास्तव में दिक्सूचक दिक्सुई भी एक छोटी छड़ चुंबकीय होती है। दिक्सुई मैंने आपको बताया था इस तरह से कंपास जो होता है इसके अंदर ये सुई लगी हुई होती है, ये क्या होती है, दिक्सूचक सुई होती है। ये भी क्या होती है, छोटी छड़ चुंबकीय होती है क्योंकि चुंबक से बनी हुई होती है, इसलिए यह सुई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जिस दिशा में जाकर रुकती है वह उत्तर दक्षिण दिशा होती है। देखो मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि इस टाइप से अपने पास एक सुई होती है, यूं इस टाइप से कंपास होता है, गोल होता है, इस तरह से सुई होती है। तो जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है अपने पास या कोई भी मतलब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा तो उस टाइम ये स्थिर पड़ी हुई है। तो स्थिर किस ओर रुकेगी, नॉर्थ साउथ, इन दोनों दिशाओं में जाकर ये रुकेगी। इनके अलावा यूँ नहीं है कि ईस्ट वेस्ट में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि दिक्सुई यानी कि कंपास की जो सुई है इसका जो सिरा भारत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जिस दिशा में रुकेगी वो तो उत्तर दक्षिण, और जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करेगा वो उत्तरोमुखी ध्रुव, और दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करेगा उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव कहते हैं। जो सिरा उत्तर की तरफ उससे उत्तरोमुखी, और जो सिरा दक्षिण की तरफ उसे अपने दक्षिणोमुखी ध्रुव कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, ये सब कंपास के बारे में बताया हुआ था कि कहाँ से जाके कहाँ तक रुकती है। देखो किसी चुंबक के चारों ओर, इन्होंने आगे इसकी डेफिनेशन दी हुई है क्षेत्र रेखाओं की, कि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है जिन्हें क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। डेफिनेशन छोड़ो, सबसे पहले डायग्राम देखो। देखो अपने पास इस तरह से कोई ये चुंबक है, ठीक है, एक एन सिरा है, दूसरा इसका क्या होता है, एस सिरा होता है। ये देखो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएँ कुछ इस टाइप से बाहर जाएंगी, इस तरह से, यहाँ से, ठीक है। ये क्या है, अपनी क्षेत्र की रेखाएं हैं। इस टाइप से अपने को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अपने इसको बताने के लिए अपने डायग्राम के अंदर, चित्र के अंदर इसको बनाते हैं। अब देखो इस टाइप से जा रही है ये चुंबकीय है, जो अपना क्षेत्र है इसमें ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं इसको अपने इस साइड से दर्शाया हुआ है। तो इन्होंने आगे क्या कहा है, देखो कि काल्पनिक रेखाओं का समूह कहा जाता है। ये काल्पनिक रेखा इसीलिए कहा गया क्योंकि अपने को वास्तव में ये दिखाई नहीं देती, ये काल्पनिक ही होती हैं। देखो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जाता है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब मान लो ये अपने पास एक चुंबक है,
यहाँ तक या यहाँ तक जो भी है अपने, जितनी दूर तक अपने इसको महसूस कर सकते हैं, चुंबकीय जो अपना क्षेत्र है, चुंबकीय जो रेखाएं हैं उनको महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाएगा। देखो चुंबकीय एक ऐसी राशि है, क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। क्या होते हैं? दिशा भी होती है और साथ में साथ इसमें इसके परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, क्योंकि उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर क्यों होती है? क्योंकि अपने पास चुंबक है, इसमें भी तो दो ही ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? हमेशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होगी। तो एक चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ चित्र में प्रदर्शित की गई, ये वाला डायग्राम देख लेना, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ इसमें दर्शाई गई हैं। अब इन्होंने बात की आगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। देखो प्रेरण मतलब एक प्रेरणा का स्रोत मान लो, कि प्रेरणा से अपने कुछ भी काम हो जाता है आगे, तो वही इसको परिपथ में दर्शाया गया कि अपने इसमें क्या करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से तात्पर्य कि चुंबक से अपने क्या करेंगे? धारा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, देखो कैसे चित्र दिखाया गया है। चित्र में एक कुंडली को धारा मापी से जोड़ते हैं, अब छड़ चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं। देखो अपने पास क्या है? इस टाइप से एक कुंडली है, ठीक है, इसके साइड ये जो लगाया है ना, ये एमीटर है, इसको वैसे जी लिख रखा है, इसमें भी एक टाइप की सुई होती है। अपने पास ये जो कुंडली है ना, इसमें धारा मापी में देखो, जब इसको एक चुंबक लेके आ रहे हैं, इस टाइप से एक छड़ चुंबक है अपने पास, एक नॉर्थ साइड है, एक साउथ की साइड है, ठीक है, या इसमें आपको देखो इसमें दिया हुआ है, ये नॉर्थ की साइड है, ये साउथ की साइड है। जब यहाँ से इसके अंदर इसको थोड़ा पास में लेके जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो ये जो लाइनें दिखा रहे हैं, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की अपने रेखाएं दिखा रहे हैं। तो क्या होगा कि इस जो परिपथ है इसमें क्या हो जाएगी? धारा उत्पन्न हो जाएगी। देखो इन्होंने बता भी रखा है धारा मापी में विक्षेप आएगा, मतलब ये जो धारा मापी इसकी सुई क्या है? विक्षेपित होने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी। तो अर्थात इसका मतलब क्या है कि कुंडली में धारा बहती है। धारा का मान चुंबक व कुंडली के बीच सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? इसको अपने आगे देखते हैं। देखो इन्होंने बोला है कि किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न जो विद्युत प्रभाव है उसको क्या कह देते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक बार डायग्राम देखो दोबारा से। देखो अपने पास ये डायग्राम है इतना पूरा, ये जैसे जैसे इसको पास लेके जाओगे तो इसमें धारा थोड़ी ज़्यादा होगी या कम होगी, जो भी है ज़्यादा ही होगी ऑब्वियस सी बात है, और थोड़ा दूर लेके जाओगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये इसके बीच की क्या हो जाती है? एक सापेक्ष गति हो जाती है। तो धारा का मान इसी गति पे निर्भर करता है। वही अपने को अगली डेफिनेशन में बोला गया है इन्होंने अभी अपने जो की है कि किसी जो कुंडली में है चुंबक व कुंडली के बीच की जो गति होती है उसके कारण जो विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, जो धारा उत्पन्न होती है, वही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। व्याख्या देखो इन्होंने क्या दी हुई है, जब चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है मतलब चुंबक को पास लेके आ रहे हैं या इसको क्या कर रहे हैं? दूर लेके जा रहे हैं, तो कुंडली के काट से गुजरने वाली चुंबकीय रेथ से जो क्षेत्र की रेखाएं हैं उनमें संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। देखो जो अपने चुंबक है उसको दूर लेके जाओगे, ठीक है, और यहाँ करोगे क्या करोगे? इसको पास लेके आओगे, इसको दूर लेगे या पास लेगे, तो क्या होगा? जो क्षेत्र की रेखाएं हैं उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जो चुंबकीय रेखाएं हैं ये अपना एक टाइप से चुंबकीय फ्लक्स भी बोला जाता है इसको। तो फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि किसी कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे भी धारा, उससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कि अपने पास एक मान लो ये अपने पास चुंबक है, चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो क्या होगा? उसमें फिर से धारा उत्पन्न हो जाएगी। मेन जो टॉपिक था वो ये था कि अपने जो छड़ चुंबक है उसको किसी कुंडली के अंदर से अपने गुजारते हैं, ठीक है, अंदर लेके जाते हैं, तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। दूर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही अपने को इसमें बताने की कोशिश की गई है। ओके स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद अपने करेंगे विद्युत धारा जनित्र, इसमें एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों आ जाएंगे, ये करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।